नए साल की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई। दिल्ली के कंछावला इलाके में 23 साल की लड़की को सड़क पर घसीटते हुए 5 दरिंदों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ठिठुरती ठंड में राजधानी की सड़कों पर लड़की के शरीर को अपनी बलिनो गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर घसीटते हुए हैवानों ने दिल्ली का सिर एक बार फिर से शर्म से नीचे कर दिया है। यूं तो कहने को दिल्ली दुनिया भर की हाईटेक सिटीज में से एक है। दिलवालों की दिल्ली कहे जाने वाले शहर में एक झलक देखने में सब कुछ वर्ल्ड क्लास दिखाई देता है। फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास से लेकर वर्ल्ड क्लास सड़कें। कहने को दिल्ली बहुत बदल चुकी है, लेकिन अगर कुछ अभी तक नहीं बदला है तो वो लड़कियों की सुरक्षा है। आज भी साल 2012 में हुआ निर्भया कांड का जख्म लोगों के जहन में हरा है। निर्भया के आबरू लूटने वाले 6 में से 5 दरिंदे यूं तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राम, लक्ष्मण, पवन जैसे नामों के पीछे छिपे हैवान अब भी जिंदा है। इन्हें रावण भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राक्षस प्रजाति के रावण ने भी अपने अहंकार में माँ सीता का अपहरण जरूर किया था। दुर्गा रूपी माँ सीता की पूजा और सम्मान को रौंदने की कोशिश उसने कभी भी नहीं की थी, लेकिन कलयुग के इन दानवों ने हर महिला में छिपी सीता के साथ उनकी अंतरात्मा के साथ चीरहरण किया है। दिल्ली में एक बार फिर चीरहरण हुआ। देखने में तो एक्सीडेंट का रूप दिया गया, गैर इरादतन हत्या की भी धारा लगाई गई, मगर लड़की के तन पर कपड़े का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। पुलिस और परिवार के बयान में कोई समानता नजर नहीं आती है। हमेशा की तरह पुलिस कुछ ढके छिपे बयान दे रही है। 5 दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन फिर भी स्थिति कुछ साफ नहीं है। जनता हमेशा की तरह युवती के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में कैंडल मार्च निकालेगी, सोशल मीडिया पर रोष दिखाएंगे, फिर ऐसी घिनौनी करतूत को ना करने और ना होने देने की कसमें भी खाएंगे, लेकिन फिर किसी कोने से फिर किसी लड़की की चीख पुकारे इन्हीं सड़कों पर गूंजेगी और हमेशा की तरह इन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। आखिर कब तक दिल्ली अपना सिर झुकाती रहेगी? राजधानी तो हर एक सेंस में उदाहरण सेट करने वाली होनी चाहिए। क्या यही उदाहरण देश के सामने दिल्ली रखती रहेगी? ये दिल्ली पर चोट है, ये यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर सवाल है। क्या यही वो सुरक्षित दिल्ली है जिसकी दुहाई सरकारें देती हैं?